हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल दीपक टेक्नोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, आज मैं उसमें बताऊंगा आपको कि आप कैसे अपना जनधन बैंक खाता खुलवा सकते हैं और जनधन बैंक खाते की जो दूसरी किस्त है, जो महिलाओं को जनधन खाता मिलने जो अमाउंट मिल रहा है वो कब तक आएगी दूसरी किस्त, इसके बारे में और भी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि जनधन खाता जो है जन जन जो जनधन खाता है वो आप कैसे खुलवा सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ जनधन खाता के बारे में जानकारी। जनधन खाता क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में हमारी ये जो स्कीम थी ये लॉन्च की थी, और अब जो ये प्रधानमंत्री जो जनधन खाता था इसमें दोबारा अपडेट किया गया था। किसके द्वारा? जो ये लॉकडाउन में COVID-19 जो चला था, जो हमारा कोरोना वायरस चल रहा था, इसके लिए कि ये 3 महीने तक महिलाओं को 500 रुपये इसमें दिए जाएंगे। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसकी अगली किस्त जो आएगी, दूसरी जो किस्त आएगी वो कब तक आएगी और आप इसका ऑनलाइन खाता कैसे खुलवा सकते हैं। तो जो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, आपको मैं लेकर चलता हूँ अपने वेब ब्राउज़र पर। ये दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना 2020 बैंक खाते कैसे खोलें, उद्देश्य लाभ व पात्रता। तो इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन स्कीम में बैंक खाते, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को की गई थी। इस योजना को 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत देश के गरीब लोगों को बैंक, पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीय बैंक जीरो बैलेंस खाते खोले गए थे, जो हमारे जीरो बैलेंस बैंक के खाते थे उसके लिए। इसमें क्या है, जिन खातों से आधार कार्ड लिंक होगा उन्हें 6 महीने बाद 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी अपना एक काम और करा लें कि अपना जो आधार कार्ड है वो बैंक से लिंक करा लें। मैं इस पर भी एक नई वीडियो बनाऊँगा, कल जो न्यू अपडेट आएगा उसमें भी एक वीडियो बनाऊँगा कि अपने आधार कार्ड को अपने बैंक से आप ऑनलाइन कैसे लिंक कर सकते हैं। और ये प्रधानमंत्री जनधन योजना 2020, अब जो नई अपडेट हुई थी वो है ये। जैसा आप लोग सब जानते हैं कि पूरे भारत देश में कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, जिससे देश के सभी लोग डरे हुए हैं। इस परेशानी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के लोगों को सुरक्षा देने के लिए पूरे भारत देश में 21 दिन का लॉकडाउन किया जा चुका है। प्रदेश में महामारी के संकट से उभरने के लिए सरकार का हर संभव प्रयास कर रही है। तो इसी के द्वारा हमारे जो महिलाओं को जनधन योजना का खाता खोलने के लिए दिया गया था, और उसमें 500 रुपये तक आपकी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो जनधन योजना में भेजी गई धनराशि, मतलब अभी तक जो आपके पास जनधन योजना में जो बैंक खाते में जो योजना है में आपके पास जो राशि भेज दी गई है वो ये है। देश में लॉकडाउन होने की वजह से गरीब परिवारों को महिला के जनधन खाते में 500 रुपये की धनराशि पहुँचाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत देश की गरीब महिलाओं के खाते में 1 अप्रैल 2020 तक में 1.20 लाख करोड़ जमा किए गए हैं। मतलब 1.20 लाख करोड़ जो है ना, वो सरकार ने अभी तक हमारे महिलाओं के लिए मतलब उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। और ये प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? जैसा कि वो लोग जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा पाते हैं और बैंक द्वारा दी जा रही बैंक सुविधा से अवगत नहीं है। केंद्र सरकार की गरीब परिवारों के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है इस प्रधानमंत्री जनधन योजना 2020 के तहत। देश के आर्थिक रूप से गरीब लोग, पिछड़े वर्ग के लोगों को जीरो बैलेंस पर बैंक खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध कराना है। अब ये PMJY में खोले गए खातों की संख्या, मतलब अभी तक जनधन खाते में कितने महिलाओं ने या कितने पुरुषों ने खाता खुलवा लिया है अपना। तो हमने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में खोले गए खातों की संख्या और उनके द्वारा जमा की गई राशि और जारी किए गए रुपए कार्ड 25 मार्च 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार की जानकारी हमने नीचे दी गई है। अब ये है, सार्वजनिक क्षेत्र का ग्रामीण में 16.46, शहरी मेट्रो 14.0, ग्रामीण फिलहाल 16.11, मतलब इतने हैं राशि करोड़ों में जमा इतना, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कारक, ये बैंक सुविधा के लिए अपल होते हैं, बुनियादी बैंकिंग सुविधा के लिए होते हैं, माइक्रो क्रेडिट कार्ड के लिए होते हैं, ये चीज़ें। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना 2020 के लाभ क्या क्या हैं? अब देश का कोई भी नागरिक इस योजना के तहत बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि महिलाओं को ये सम्मान, ठीक है, नहीं, पुरुष भी अपना जनधन बैंक खाता खुलवा सकते हैं। इसमें क्या है, इस PM योजना 2020 के तहत खाता खुलवाने पर 1 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा भी कवर किया जाएगा। अब इसमें ये नई न्यू अपडेट आई है,
अभी अभी आई है, ये पहले नहीं थी अपडेट 1 लाख रुपए वाली, अभी अभी आई है। जो भी दिक्कत हो जाती तो उसके बाद अब प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये का जीवन बीमा लाभार्थियों को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति कर दे होगा। ठीक है, प्रत्येक परिवार के एक खाते, विशेषकर महिला खाते, आयस 5,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की जाएगी। अब तक 38.22 करोड़ लाभार्थियों ने बैंकों में धनराशि जमा की है और लाभार्थियों के बैंक खाते में अब तक इतने जमा हो गए हैं। अब जनधन स्कीम पीएम 2020 के दस्तावेज, मतलब अगर आपको जनधन खाता योजना खुलवानी है, ऑनलाइन खुलवाना है, तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा। तो आवेदक का आधार कार्ड है, पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड हो, मोबाइल नंबर हो सकता है आपका, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और पते का सबूत, मतलब जो आपका एड्रेस प्रूफ है वो। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना 2020 स्कीम में आवेदन कैसे करें। देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस प्रधानमंत्री जनधन योजना 2020 के तहत अपना खाता खुलवाना चाहते हैं तो अपनी नज़दीकी बैंक में जाना होगा। आपको अपने नज़दीकी बैंक में जाना होगा। बैंक में जाने के बाद आपको वहाँ से जनधन का खाता खोलने के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। आवेदन फॉर्म लेने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ अपने सभी जरूरी दस्तावेज एप्लीकेशन फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे। भरे हुए आवेदन फॉर्म को बैंक के अधिकारी के पास जमा करना होगा। इसके बाद अधिकारी द्वारा आवेदन फॉर्म की कार्रवाई पूरा होने पर आपका जनधन खाता खुला दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप तो इतना आपको ये करना है और आपका जो जनधन खाता है वो ओपन हो जाएगा। आपका जो जनधन खाता है वो ओपन जनधन जो खाता है वो अपना तुम्हारा खाता जो है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं कल आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगा। आपके लिए मैं कल एक नई वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें बताऊँगा कि आप अपना बैंक से आधार कार्ड लिंक कैसे कर सकते हैं घर बैठे, वो भी ऑनलाइन। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।